नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार भले ही हर गांव को सड़कों से जोड़ने का दम भर रही, रीवा के रजहा गांव में देखने को मिला है, जहां खराब पड़ी सड़क से परेशान होकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने फैसला ऐसी स्थिति में लिया है जब गांव के सरपंच ने सड़क के लिए गुहार लगाते लगाते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरपंच ने सड़क को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते सरपंच ने गिलानी बस आत्महत्या कर दी। और आपको बता दें कि गांव की सड़क लंबे समय इस सड़क पर हादसों का शिकार हो चुके हैं, इसके बाद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली है। तो ये तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश के रजहा गांव की दिखा रहे हैं, जहां की जो सड़कें हैं आप तस्वीरों में खुद ही। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक तरफ यदि देश में जो सरकार है, भले ही हर गांव को सड़क से जोड़ने के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो सरकार है वो भर रही, लेकिन यदि प्रदेश की जमीनी हकीकत की यदि हम बात करते हैं तो वो कुछ और ही बयां कर रही है। और वहीं इसी तर्ज पर इसका एक उदाहरण देखने रजहा गांव है, जहां की जो सड़कें हैं वो बड़ी बदहाल है, ऐसा क्यों? बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है सड़कों की हालत मध्य प्रदेश में सबसे तरीके से कांग्रेस का समय था, कांग्रेस में रोड की जो हालत थी उससे ही बदतर अब भाजपा सरकार में रोड की हालत है, क्योंकि भाजपा लगातार कह रही थी वो रोड और सड़क हर गांव में हर ग्रामीणों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम में निकलते हैं और जिस तरीके की सड़क देखते हैं वो सड़कें चलने लायक है, ना ही उनमें सड़क है या गड्ढे है, इसका हम आकलन नहीं कर पाते। जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे हैं, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, और ये सड़क कोई आज की बात नहीं है, चार साल पहले इस सड़क पे टेंडर हो चुका है, आज तक वहाँ से काम नहीं लगा है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से सड़कों में यहाँ बता दें कि एक सरपंच ने इस सड़क को लेकर विरोध किया और विरोध ज्यादा किया कि उनको सल्फात खाने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो। तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों कितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन ग्रामीणों को कैसे वहाँ पे बीमार होते हैं, लोगों को शहर लाना पड़ता है और वो शहर ना पहुंच के वही रोड पे ही अपने दम तोड़ते हैं। जी राजेश, बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं खाली बयां कर रही हैं कि गांव की स्थिति क्या है। एक बात और यह है कि जैसा कि आपने बताया कि सरपंच था और उसने कोशिश की, प्रयास किए और गुहार भी लगाई अधिकारियों से, किसी की जू नहीं रहेगी किसी के कानों तक, और उसको मजबूरन परेशान होकर आत्महत्या तक करनी पड़ी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जिम्मेदारों से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है, जनप्रतिनिधियों से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, आपको बताएं राजेश, वहाँ बीएसपी का विधायक है, बीएसपी के विधायक है शीला त्यागी, तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी का गवर्नमेंट है, वहाँ यदि विधायक विरोधी दल का होता है तो वहाँ पे काम आप मान लीजिए कि नहीं हो रहा। इस तरीके से वो सड़क है और वहाँ पे ग्रामीण जो है वो विधायक बीजेपी का नहीं जिता पाए, जिसके कारण उनको सजा भोगनी पड़ रही है। और लगातार जिस तरीके से सरकार काम करती है, सरकार संविधान का शपथ लेती है कि हम लोगों के कल्याण के काम करेंगे, अगर वो कल्याण कहीं ना कहीं रुक जाता है और पार्टी के पक्ष में यदि है वोटर और पार्टी के विधायक यदि जीते तो वहाँ पे काम होगा, नहीं तो वहाँ पे काम नहीं होगा। जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप फुटेज देख रहे हैं, ये सड़क पे जो अधिकारी है, अधिकारियों का कहना है कि टेंडर हो गया है, ठेकेदार नियुक्त हो गया है, इसके बाद भी सड़क पे काम नहीं लगना समझता, और वहाँ पे जो अधिकारी है उनकी हीला हवाली या उनका जो सुविधा काम नहीं हुआ, अभी कितनी जांच ये सड़क लेगी ये तो समय बताएगा। और जिस तरीके से हमने इसको मुद्दा बनाया है, हम चाहेंगे कि उन ग्रामीणों का इसमें सहयोग रहे और ये सड़क जल्द से जल्द बन पाए। जी राजेश।
विधायक हैं वो BSP से, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पक्षपात वाला मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं अफसरशाही भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई दे रही है अरविंद, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर सब कुछ बयां कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर हम जिम्मेदारों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जनप्रतिनिधियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों ये वजह है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या उनकी राय है, ये हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद फिलहाल। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं रीवा की, रीवा का एक गाँव रझा, जहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ खराब पड़ी सड़कों से परेशान होकर जो ग्रामीण है उन्होंने चुनाव तक का बहिष्कार करने का फैसला बना लिया है। ग्रामीणों ने यह फैसला ऐसी स्थिति में लिया है जब गांव के सरपंच ने सड़क के लिए गुहार लगाते लगाते फांसी लगा, सरपंच ने सड़क को दुरुस्त करने के लिए कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते सरपंच ने गिलानी बस आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि गांव की सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है और अब तक कई लोग इस हादसे का भी शिकार हो चुके हैं। इसके बाद भी शासन और प्रशासन की नींद नहीं खुली है। तो मध्य प्रदेश सरकार के दावे यहाँ पर किस तरह से फैल होते नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ पर जो है जर्जर, जो ग्रामीण स्तर की जो सड़कें हैं वो यहाँ पर जर्जर हैं। और वहीं यदि देखा जाए तो जो ग्रामीण हैं वो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और रझा गांव की हम बात कर रहे हैं, और वहीं इस बदहाली के चलते लोगों में खासा आक्रोश पर देखा जा रहा है। लोगों ने चुनाव को लेकर बहिष्कार कर यहाँ कड़ा फैसला कर लिया है। और हम आपको बता दें कि ये जो खराब सड़कें हैं जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये कई बार इसमें जो लोग हैं इसकी वजह से हादसे का शिकार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव के सरपंच ने जब कई बार इन अधिकारियों से गुहार लगाई तो कहीं से कोई जो निराकरण है वो होता हुआ नहीं दिखा, और इसके चलते सरपंच को जो गिलानी महसूस हुई उसके आत्महत्या कर ली, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर शासन और प्रशासन की जो नींद है वो नहीं खुली है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे होगा गांव का? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कब इस हकीकत से जो सरकार है वो रूबरू होगी। सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है ताकि जो हितग्राही हैं सरकार की उन तक पहुंच सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पे देखें तो धरातल पर उतरती हुई दिखाई नहीं देती हैं। सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर ये सरकार की योजनाएं रह जाती है। और एक जो उदाहरण इस वक्त हम बात कर रहे हैं ये रीवा जिले का रझा गांव है, और जहां पर इस सड़कों की और बदहाली को से नाराज होकर जो ग्रामीण हैं उन्होंने चुनाव को लेकर बहिष्कार का फैसला कर लिया है। हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए हैं जिनका नाम है वशिष्ठ मुनि चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। थैंक यू सर। चतुर्वेदी जी हम आपके ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं रेझा गांव की, जहां सड़कों की बदहाली यहां पर साफ तौर से दिखाई दे रही है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है? सर ऐसा है कि यहां पर जैसे अचानक कोई भी दुर्घटना हो जाती है जी गांव में जी, तो रोड की सबसे ज्यादा समस्या है जी। चाहेंगे कब से ये बदहाली है, ये सड़कों की स्थिति है जो जर्जर हालत में दिखाई दे रही है, स्थिति लगातार कब से बनी हुई,
और इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए, क्या आपकी जिम्मेदारों से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना रहा, जनप्रतिनिधि आपने अपनी समस्या उनके सामने रखी तो उनका क्या कुछ कहना रहा, ये आपसे जानना चाहेंगे। सर ऐसा है कि हमारे गांव में पहले 5-6 साल पहले ये पंचायत से रोड बनी थी जी, उसके बाद फिर एक ये इसका पीडब्ल्यूडी के थ्रू एक रोड सेंसर हुई थी। 5-6 साल पहले जब आप बता रहे हैं जब सड़क बनी थी, जब किसकी सरकार थी, कौन थे आपके यहाँ विधायक? नहीं उस समय पर तो ये थी पन्नी भाई जी, पन्नी भाई। हाँ, किस पार्टी से थी? किस पार्टी से थी? बीजेपी से थी। बीजेपी से, ठीक जी। हाँ जी, तो उस समय पर ये नॉर्मल ये रफ्ता टाइप का बना था रोड, नहीं मतलब थोड़ा मिट्टी वगैरह डाल के बाद ये उसको, लेकिन बन नहीं पा रही है। टेंडर हुआ एक बार नारायण सिंह का लिए थे, ये मवरिया पहुंच गांव का, वो 4 किलोमीटर तकरीबन था, तो वो नहीं बन पाई। अभी फिर से हुआ है। चतुर्वेदी जी, आपने जानने का प्रयास नहीं किया अपने जनप्रतिनिधि से बात करके आखिर क्यों ये समस्या आ रही, या फिर जिम्मेदार अधिकारियों से बात करके उनसे जानने का प्रयास नहीं किया आखिर क्यों ये बदहाली बनी हुई है, या फिर कब तक इन्हें दुरुस्त किया जाएगा? आपने कोशिश की? काफी प्रयास किया, उनको बार बार रिपोर्ट भी किया, उन्होंने बोला बन जाएगी, बस यही सुनते आ रहे हैं, बोला अभी बरसात खत्म हो जाएगी, फिर अभी खेती कटाई हो जाए, दुनिया जमीन नहीं देगी, फिर 5 सालों से आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि बरसात खत्म हो, बरसात हर साल होती है, हर साल खेती बोई जाती है जी, और हम मतलब हमेशा तो उनके पास मिल नहीं पाते हैं जी, ये सब बातें हैं। अब मैंने कोई एक बहाना बन जाता है, कई बार कुछ गांव के नामी इस टाइप के आदमी हैं जो कि समस्याएं आ रही हैं। बिल्कुल, चलिए चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे वशिष्ठ मणि चतुर्वेदी जो कि ग्रामीण हैं, जिन्होंने इस गांव लगातार 5 साल से यहाँ पर वो सड़कों को लेकर परेशान हैं, और जिसको लेकर उन्होंने जिम्मेदारों से कई बार गुहार लगाई, कई बार शिकायत की, हुए नजर आए कि बारिश बाद हम ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको दुरुस्त कराएंगे, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उन्हें ग्रामीणों की परेशानियों से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं जहां मध्य प्रदेश सरकार भले ही हर गांव को सड़क से जोड़ने का दम भर रही हो, लेकिन प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। कमलकांत तिवारी उपसरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार सर। तिवारी जी इस वक्त हम बात कर रहे हैं गांव रजौ साफ तरह से बयां कर रही है, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो जर्जर हालत में है, क्या वजह है सर इसके पीछे? जी ये सर हमारे यहाँ गांव मोहरिया के लिए रोड मंजूर हुई थी, पूरे 3 वर्ष हो गए हैं जी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों को मिली भगत से बार बार वो रोड कभी इधर बदलते हैं कभी उधर बदलते हैं, 16 की कार्रवाई जो है 11 की 2016 में हो चुकी थी जी, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें कार्य नहीं किया गया, बार बार इधर बदलते हैं उधर बदलते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा मिली भगत है सर पूरी जी। कमलकांत तिवारी जी आप जी। ये देखा जाए जिस तरह से जो आपके सरपंच रहे हैं उन्होंने भी अपनी किसी तरह से उनको भी जो है इन समस्याओं का निराकरण नहीं होते दिखा, और ऐसे कयास लगा रहे हैं कि उनको काफी गिलानी हुई और गिलानी के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। सर आपसे पूछना चाहेंगे तिवारी जी,
कि ये जब पीडब्ल्यूडी का ये कहना है लगातार आपको आश्वस्त करते हैं, तो आपने उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि कब इन दो मैं पर्टिकुलर जो होता है वो उन्होंने नहीं बताया कि आखिर दुरुस्त होंगी, या पीडब्ल्यूडी से आपकी बात हो या प्रतिनिधि से आपने बातचीत करने की कोशिश नहीं की जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, या आखिर क्यों इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा? आपके जो जनप्रतिनिधि हैं कभी आते हैं दौरा बौरा करने या नहीं, कि सिर्फ चुनाव के समय ही आए और देखा और चले गए? हमारे जनप्रतिनिधि पूरे 4.5 वर्ष से कोई भी इस गाँव में नहीं आए, और जो हमारे भूतपूर्व सरपंच थे अशोक कुमार तिवारी इसी रोड की वजह से आत्महत्या कर लिए हैं। जी बिल्कुल। और बार बार अनदेखी हो रही है उसका, ग्राम सभा की अनसुनी हो रही है, ग्राम सभा कहीं भी देती है, और पीडब्ल्यूडी और कुछ सरकारी लोगों के द्वारा बार बार उस रोड को इधर बदला जाता है उधर बदला जाता है और कार्य नहीं हो रहा है, और ग्राम सभा की जो है तो कहीं बनवाना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी की और कुछ गांव के लोगों की मिली भगत पूर्ण रूप से इसमें सम्मिलित है। जी तो क्या माना जाए इस पूजे से, तरह से आप बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की मिली जिम्मेदार जो प्रतिनिधि अधिकारी हैं वो उनकी लापरवाही यहाँ पर देखने को, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौन साधे बैठे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप उप सरपंच हैं, आपकी तरफ से कभी उनसे बात करने की कोशिश की आपने जनप्रतिनिधि से, आखिर क्यों ये जो बात है वो बने हुए हैं, इन्हें दुरुस्त क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है, भोपाल राजधानी के अंदर ये जो है तो प्राइवेट सचिव के यहाँ तक हमारे आवेदन लगे हैं, ऑनलाइन के कलेक्टर तक लगे हैं हमारे आवेदन। तमाम बातें हैं आपकी मानने के लिए तैयार हैं, आपने भोपाल तक गुहार लगाई है, अच्छी बात है। आपसे सीधा सा सवाल ये है उप सरपंच जी के जन प्रतिनिधि जो विधायक हैं आपके यहाँ, उनका नाम है शीला त्यागी, इनका क्या कुछ कहना है? भाई इनकी भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है ना। जी शीला त्यागी जी, विधायक जी हमारे गाँव में एक बार भी नहीं लोगों की आवाज सुनने की कोशिश किया, दुख पीड़ा कुछ, मतलब यही माना जाए कि उन्हें सिर्फ चुनाव तक ही मतलब है, वोट की राजनीति वो करती हैं, वहाँ की ग्रामीणों की और जनता की परेशानी से उन्हें कोई सरोकार नहीं है? नहीं है, बहुजन की शीला त्यागी जो है तो विधायक है, उन्होंने अभी तक इस गांव में कदम भी नहीं रखा है और न ही जनता का कोई सुनने का काम किया है। चलिए कमलकांत तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के रजवा गांव की, जहां की हालत बदहाली की हालत आप खुद देख रहे हैं, जर्जर सड़कें यहां पर बनी हुई हैं जो लोगों की परेशानियों का सबब यहां पर है, कई बार तो ग्रामीण कई तरह के हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। उप सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे, की गई इस पूरे मामले को लेकर, और जो जनप्रतिनिधि हैं बीएसपी से विधायक हैं शीला त्यागी, उनसे भी बात कही गई, लेकिन कोई किसी तरह से कोई सरोकार उन्हें ग्रामीणों की समस्या से नहीं है और लगातार जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से नजर आ रहे हैं। तो हल्ला बोल में आज हमने बात की, जहां मध्य प्रदेश सरकार भले ही हर गांव को सड़क से जोड़ने का दम, हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जिसका एक उदाहरण रीवा के रजा गांव का है, जो कि हमने जिसे हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, जहां खराब पड़ी सड़कों से परेशान होकर जो ग्रामीण हैं उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का भी फैसला कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारी जो ग्रामीणों से बात हुई उन्होंने अपनी समस्या बताई, और वहीं जो उप सरपंच हैं वो भी हमसे जुड़े, उन्होंने भी हमें बताया कि कई बार जिम्मेदारों के पास गुहार लगाई गई उसके बाद भी किसी तरह का निराकरण होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं बात करते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, शीला त्यागी जी जो कि विधायक हैं, वो भी यहाँ पर कभी दौरे के लिए नहीं आती, किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग उनकी तरफ से नहीं की गई, सिर्फ चुनाव से पहले आती हैं और वोट बैंक की राजनीति के द्वारा की जाती है, और जो जनता इन परेशानियों से जूझ रही है, और कहीं ना कहीं इसके यही मायने निकलते हैं कि जनता की परेशानियों से इन्हें किसी तरह का कोई सरोकार यहाँ पर
नहीं है। तो हल्ला बोल में लगातार हम इस तरह की खबरों को दिखाते रहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इस पूरे मामले को अमली जामा पहनाया जाता है। तो आज के हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।